उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में सीएम आवास में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की थी। उन्होंने अधिकारियों को कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने राज्य में रह रहे भारी लोगों की सघनता से सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी भारी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने आ रहे हैं उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। इस तरीके से भूमाफिया सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए कि कोई भी इस प्रकार की कोई अगर सरकारी संपत्ति पर कब्जा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। और दूसरी बात कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि सत्यापन होना चाहिए उन लोगों का जो बाहर से लोग आकर के यहां बसते हैं, वो किस प्रकार से सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग करते हैं, इधर उधर उन संपत्तियों को करने का काम करते हैं, खुरदबूत करने का काम करते हैं, तो तहसील और हमारे अमीन और नगर निगम और एमडीडीएस है, इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। इन सारी चीजों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना रुख बिल्कुल साफ किया है कि जो भी हमारी सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के नेता राजेंद्र बिष्ट ने कहा, जब से उत्तराखंड प्रदेश बनाए यहाँ पर भूमाफियाओं का कब्जा दिखवा है। उत्तराखंड में पहाड़ों की और भी भूमिया का कब्जा लगातार हो रहा है। उन्होंने कहा, देहरादून की चाय बागान की जमीन पर भी नेताओं का और भूमिया का कब्जा है। देहरादून तो आप ये लगा लीजिए कि समस्त क्षेत्रों में यहाँ पर जमीनों को कब्जाने का काम जो बाहरी राज्यों से आ रहे बड़े बड़े पूंजीपति और कहीं ना कहीं जो यहाँ के मंत्री हैं, मंत्री संतरी जो है उनके और ब्यूरोक्रेट्स भी इनमें कहीं ना कहीं शामिल है। आपने देखा होगा कि पौधा दिशा टू, दिशा वन या दिशा टू जो भूमि है उसमें पूरे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके परिवार वालों के नाम भी आए हैं और वो जमीन जो है उन्होंने गलत तरीके से अपने नाम पे की है। तो निश्चित तौर पर इसका आपने ये मुद्दा उठाया तो मैं ये जो जितने जो सक्षम अधिकारी है उन्हें भी तत्काल इस पर डिसीजन लेना चाहिए। ऋषिकेश के विराज कॉलोनी में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायत देकर एक दूसरे पर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामले में अपनी जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। मैं कल 1 बजे ऑफिस से घर के लिए आ रहा था लंच टाइम में, तो कुछ लड़कों ने जिनमें इनका लड़का शामिल था, सामने ऋषभ नाम है उसका, और भरत मंदिर के स्कूल के ड्रेस में मुझ पर हमला कर दिया धारदार लोहे के रॉड से, और उनके पास तलवारें भी थी घास काटने वाली। 10-12 लड़के थे वो, सीसीटीवी फुटेज में साफ पता चल रहा है। वो अगर जो मैं वहाँ पे रुकता तो मुझे मार के नदी में फेंकने की फिराक में थे। मेरे को बहुत परेशान किया जा रहा है, मेरे घर में धूप कर हमला किया जा रहा है, मेरे बेटी पर भी अटैक किया जा रहा है। अरे उन्होंने साल भर से अभी दुकान खोला, पहले से बहुत अच्छे चलते थे, तब से हमारे को परेशान कर रहे हैं कि यहाँ से भगा दूंगा, दुकान हमारे सामने नहीं चलने दूंगा, बिहारी को यहाँ से भगा दूंगा, ऐसे बोलते थे ताना मार मार के। विगत दिनों बांग्लादेश से भ्रमण कर लौटे श्री मोहनानंद यति महाराज ने सनातनियों के लिए अपनी चिंता जताई और आह्वान किया और कहा, समाज और सरकार और साधु संत समाज भी इस विषय को लेकर चिंतित है, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को अपने अधिकार और कानून का प्रयोग कर बातचीत करके कुछ समाधान निकालना चाहिए जिससे सनातनियों की रक्षा की जा सके। हमारी विचारधारा यह है कि हम जो है राष्ट्रीय जागरण के अंतर्गत जो अभी हम यहाँ आए हैं, क्योंकि अभी हम बंगाल में थे तो बंगाल से यहाँ आए हैं, तो हमारा विचार ये हुआ कि जो हमने वहाँ की स्थिति देखी उसके अंतर्गत हम यहाँ के संतों को एकत्रित करके जो हमारी संत समिति के हैं और जो संन्यास परिषद के जो माननीय संत लोग हैं उनमें एक जागरण हो, राष्ट्रीय जागरण हो, और उसको हम मतलब एक मेमोरेंडम इस तरह से हम सरकार को दें कि सरकार के पास जाए तो सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को देखते हुए वो जो कर सकती है वहाँ दबाव बनाए, और यूएनओ में प्रस्ताव जाना चाहिए कि हमारे ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, और उनके वो हिंदुओं को संरक्षण वहाँ पर देना है ताकि हिंदुओं को ये लगे बांग्लादेश में कि हमारा भी कोई देखने वाला है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध तीर्थ नगरी में देखा गया। हिंदू जागरण मंच ने पुरानी चुंगी पर बांग्लादेश में हिंसा फैला रहे लोगों का विरोध करते हुए पुतला फूंका, उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया है। देश की नरेंद्र मोदी सरकार से हस्तक्षेप कर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने एक बार फिर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। यह अभियान हरिद्वार देहरादून बाईपास मार्ग पर मुख्य रूप से पूरी रात चलाया गया जिसमें 37 वाहनों को एआरटीओ ने चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा। एआरटीओ मोहित कोठारी ने 5 वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की है जबकि 32 वाहनों के चालान काटे हैं।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सितारगंज में चोरों ने मोनी बाबा मंदिर में चोरी को अंजाम दिया। आपको बताते चलें, बीती रात्रि लगभग 12 बजे चोर मंदिर में घुसे। वहीं लगभग 1 बजे मंदिर के महंत ने सितारगंज पुलिस को सूचना दी। सितारगंज पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके का जायजा लिया। उसके बाद सितारगंज पुलिस सितारगंज के विभिन्न मार्गों पर पहुंची, लेकिन चोर भाग चुके थे। रात 12 बजे के बाद हमारे यहाँ ये हादसा हुआ है। अब पता नहीं किस साइड से आए हैं चोर। हमारी 10 बेस की झोली, 2 मोबाइल और 1 कपड़े बैग, 4 दान पात्र तोड़े हैं और 2 तेल के पीपे। अब ऐसे सामान हमारा चला गया है। आज मेरे को इत्तला मिली और यहाँ चोरी हुई। पीछे अभी मर्डर हो गए थे वहाँ। भाई मंदिरों में बहुत काम हो रहा है, बहुत कांड हो रहे हैं, तो इसका क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये भाभी आया, मैं यहाँ आके पता किया, तो यहाँ आके देखता हूँ तो ये बाबा जी के यहाँ पैसे चले गए, फोन चला गया कल पर, तो यहाँ इनका भंडारा होना है, तो भंडारे की वजह से लेकर यहाँ चोरी हुई। और ये चोरी का जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए, नहीं तो बहुत वो होगा। क्योंकि हर जगह मंदिरों में, मस्जिदों में और गुरुद्वारों में ये चोरियां हो रही हैं और बाबाओं साधु संतों को मारा जा रहा है। इसके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।